डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रजिस्टर ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन से तात्पर्य या मतलब ये है कि ट्रांजिस्टर को हम लोग कितने तरीके से काम करा सकते हैं, मतलब ट्रांजिस्टर के काम करने का तरीका या क्या उसके कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर हम तीन टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर के, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर, तो अगर हम इनमें से किसी एक टर्मिनल को कॉमन रखते हैं बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, तो उसके बेस पे जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है उसको हम लोग ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। मतलब कि डिपेंडिंग अपॉन द विच टर्मिनल इज मेड कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट, सो देर इज पॉसिबिलिटीज ऑफ थ्री कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। सो इन थ्री कॉन्फ़िगरेशंस यू कैन चेक इट आउट हियर। अगर हमने बेस को कॉमन रखा है इनपुट आउटपुट में, तो क्या बनेगा? कॉमन बेस। और कॉमन बेस को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सीबी। अगर हमने इमीटर को इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन रखा तो एक बनेगा, उसको कहेंगे हम लोग कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और अगर हमने कलेक्टर को इनपुट आउटपुट के बीच में कॉमन रखा तो बनेगा कॉमन कलेक्टर। ओके, तो इस तरीके से वन बाय वन हम करके, लेकिन अगर हम कॉमन इमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर करते हैं, तो इसके जो इनपुट एंड आउटपुट कैरेटिस्टिक्स होगी, जैसे कि हमने वीआई कैरेटिस्टिक्स पढ़ा था पीएन जंक्शन डायोड में, उस तरीके से क्या होगी उसको हम देखेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बार बार हमें खासकर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसा कि हमने पहले बताया था, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये हो गया कि बेस इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर, एंड उसका हमने डायग्राम्स जो है नीचे बना देखा। जैसे ये आप डायग्राम देखिए, और हम लोग ऑलरेडी इसको पढ़ते आ रहे हैं। अंतर क्या था कि हमने इसको वीबी और वीसी के तौर पे दिखाया था, वीसीबी के तौर पे दिखाया था। अभी हम लोग इसको आउटपुट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए हमने यहाँ पे दिखा रखा है। देखिए, एन पी एन के लिए देखा है, सिमिलरली पी एन पी के लिए भी इस तरीके से होगा। और यहाँ पे क्योंकि हमने इसको एक तरीके से फॉरवर्ड बायस और इसको रिवर्स बायस जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वैसे किया हुआ है, इसके अक्रॉस वोल्टेज वीई और इसके अक्रॉस वीसीसी रखें। और यहाँ पे बेस देख सकते हैं, ये बेस जो है वो कॉमन है इनपुट, यानी कि इधर इस साइड में हम जनरली इनपुट लेते हैं इधर, और बाहर की तरफ, या मैं आपको बोलूँ एक शॉर्ट तरीके से, लेफ्ट साइड हमारा जनरली इनपुट होता है और राइट साइड में हमारा जनरली आउटपुट लेते हैं इस साइड में। ओके, तो यानी कि ये कलेक्टर हमारा ये हो गया आउटपुट, और इमीटर जो हो गया वो हमारा क्या है? इनपुट। अब देख सकते हैं कि हमारा बेस जो है, ये बेस वो कॉमन है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, ठीक है। अब जनरली कन्फ्यूज़न क्या होती है बच्चों को कि हम जो इनपुट करेंट, इनपुट वोल्टेज किसके किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आउटपुट क्या होगा एंड ऑल दो थिंग्स। तो उसके लिए सेम जो हमने ये डायग्राम है उसको हमने सिंबल के तौर पे यहाँ पे बनाया है। इनपुट के लिए हमने देखिए यहाँ पे वी ई ई जैसे यहाँ पे ले रखा है, और यहाँ पे वी सी सी आउटपुट के लिए, यहाँ पे भी एक तरीके से ये करंट जो है वो इनपुट करंट इमीटर करंट हो गई, कलेक्टर करंट हमारा जो होगा आउटपुट साइड में होगा, है ना। और बेस करंट जो हो गया वो कॉमन हो गया दोनों के, बेस जो है वो कॉमन हो गया दोनों के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब हम जो ग्राफ या जो इनपुट एंड आउटपुट ड्रॉ करेंगे, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे किसके बीच में ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये इनपुट साइड है, ये बीचों बीच इसके इस साइड ये हिस्सा जो है, यहाँ से इधर का हिस्सा इनपुट और यहाँ से इधर का हिस्सा जो हो गया आउटपुट। तो इनपुट में हम देख सकते हैं कि इमीटर करेंट इनपुट हो गया, कलेक्टर करेंट आउटपुट हो गया, ठीक है। अब वोल्टेज की तरफ देखते हैं, ये VEE और VCC एक्सटर्नल वोल्टेज है, तो ये हमारा ये हम इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज में कंसिडर नहीं करेंगे। जो अपीयर होगा यहाँ से यहाँ के बीच में, देख सकते हैं इमीटर एंड बेस के बीच में जो वोल्टेज अपीयर होगा, यानी कि VBE बेस और इमीटर के बीच में, वो कहलाएगा इनपुट वोल्टेज, और जो कलेक्टर एंड बेस के बीच में जो अपीयर होगा वो कहलाएगा आउटपुट वोल्टेज। तो इनपुट किसके किसके बीच में होना चाहिए? IE वर्सेस VBE, है ना, देख सकते हैं ये IE है हमारा, IE वर्सेस VBE, है ना। और आउटपुट किसके बीच में होना चाहिए? IC यानी कि आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज VBC। तो यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक, इन्हीं दोनों के बीच में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ड्रॉ ड्रॉ करेंगे। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो हो जाएगी
इस इधर वाला पार्ट यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इस साइड वाला पार्ट होगी। तो क्लियर है, चलिए देखते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एक तरीके से इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी आईई वर्सेस वीबी के बीच में ड्रॉ होगी, यानी कि इनपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करेंट, और जो हमारा वीबीसी यहाँ पे है या वीसीबी जो है वो उसके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए, जैसे मान लो कि हमने वीसीबी इज इक्वल टू 1 रखा तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे आएगी। और आप जब इसको देखोगे इस तीनों वैल्यूज को ग्राफ को, तो आपको दिखाई देगा कि ये एक तरीके से डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है, पी एन जंक्शन डायोड, सिमिलर डायोड जैसा कि फॉरवर्ड बायस में जो कैरेक्टरिस्टिक दिखती थी वैसा ही है। आपने उस समय हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स पे, सिमिलरली आप देख सकते हो कि यहाँ पे वोल्टेज का इफेक्ट है। अगर मैं वोल्टेज यहाँ बढ़ा रहा हूँ, आउटपुट वोल्टेज को मैंने वी सी बी इजकल टू 1 वोल्ट रखा है, तो करंट की वैल्यू यहाँ पे सबसे कम फ्लो हो रही है। वोल्टेज को मैंने बढ़ाया तो करंट जो है वो थोड़ा बढ़ गया, और फिर वीसीबी को मैंने 20 वोल्ट ज़्यादा और रखा तो हमारे करंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो गई। तो इन्हीं चीज़ों को हमें क्या करना है कि लिखना है थ्योरेटिकल टर्म्स पे। तो इन्हीं को हम क्या करेंगे, लिखेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कि जो हमने अभी देखा था ग्राफ में, क्या क्या था कि ग्राफ जो है आई वर्सेस वीबी के बीच में हम ड्रॉ कर रहे हैं, और ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेट करता है इनपुट यानी कि इनपुट करंट आई और इनपुट वोल्टेज वीबी को फॉर द वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट वोल्टेज वीसीबी। ठीक है, वीसीबी के वोल्टेज 1 वोल्टेज 10 वोल्टेज 20 पे हमने 2-3 वैल्यू लेके हमने उसको वेरी कराया है। इट इज सिमिलर टू द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि हमने देखा कि ये कैरेक्टरिस्टिक जो है बिल्कुल सिमिलर है पीएन जंक्शन डायोड की फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक की तरह। और उसमें क्या होता है कि आई यानी कि फॉरवर्ड करंट तभी फ्लो होगा जब वीबी की जो वैल्यू होगी वो सिलिकॉन डायोड के लिए नी वोल्टेज से ज़्यादा, यानी कि 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट से ज़्यादा फ्लो होगी। ओके, और अगर मैं आईई को इंक्रीज करूँगा, आई इंक्रीज बहुत तेज़ी से होगा जब, अगर यानी कि एक्सपोनेंशियल राइज होगा जब वीबी को हम बढ़ाएंगे, है ना। अब यहाँ पे एक एक आपने पढ़ा होगा डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस हमने क्या पढ़ा था, इनपुट वोल्टेज बाई यानी कि आर की आर का वैल्यू क्या होती है, वी बाई आई। तो आर इज इक्वल टू, क्योंकि डायनेमिक है एसी है, तो इसलिए डेल वी ई बी यानी कि वी बी इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाई इनपुट करंट, और वी सी बी की वैल्यू को हमने कॉन्स्टेंट रखा है। ये जो पॉइंट्स हैं वो सारे जितने भी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम लोग उनमें कॉमन होंगे, यानी कि 3 से 4 पॉइंट इनपुट में लिखना है, सिमिलरली हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। अच्छा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में एक और चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने के बाद, जैसा कि हमने यहाँ पे इनपुट ड्रॉ किया है इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज के बीच में, और ये हमारा जो है 3 अलग अलग वोल्टेज पे ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, तो एनपीएन और पीएनपी का सिर्फ हम मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो होता है यानी कि पोलरिटी जो होती है वोल्टेज की एंड करंट की, वो पीएनपी या एनपीएन की जस्ट अपोजिट होती है, इसलिए सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं और इसकी जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज को कंसीडर नहीं करते हैं। अच्छा, इसमें एक टर्म्स आता है अल्फा, किसमें, कॉमन बेस में, हम करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर या करंट गेन बोलते हैं। गेन जैसे हमने पढ़ा था क्या था, आउटपुट बाय इनपुट, तो यहाँ भी करंट गेन यानी कि अल्फा की जो वैल्यू होगी वो आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट के टर्म्स में होगी। तो आउटपुट करंट हमारा क्या होता है आईसी, और इनपुट करंट क्या है हमारा आईई, तो इसलिए जो अल्फा की वैल्यू होगी वो आईसी बाय आईई के बराबर होगी। क्लियर, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, आउटपुट करंट यानी कि आईसी जो कि अप्रॉक्स मिली एम्पियर में फ्लो होगा, और ये वीसीबी जो आउटपुट वोल्टेज हमने दिखाया था वो जो कि वोल्टेज में फ्लो होगा। अब इसमें जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, दिस इज नथिंग बट जीरो एक्सिस, है ना, तो क्या करते हैं हम, जीरो यानी कि वीसीबी को हम वैरी करना शुरू करते हैं, 0, 5, 10, 15 समथिंग लाइक दैट, और इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो वैरी करता है, और आईई के डिफरेंट वैल्यूज के लिए आई इजकल टू, क्योंकि आई हमारा इनपुट था तो यहाँ पे इनपुट करंट को हमने कॉन्स्टेंट रखा है, तो आई इजकल टू 0 मिली एम्पियर, आई इजकल टू 1 मिली एम्पियर, आई इजकल टू 2 मिली एम्पियर, इस तरीके से हम आई को वैरी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या वेरिएशन आ रहा है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो जीरो से थोड़ा पीछे की तरफ यानी कि निगेटिव की तरफ जा रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ कॉमन बेस के केस में हम निगेटिव वैल्यूज़ को कंसिडर करते हैं। इसका रीज़न हम लोग बाद में बात करेंगे, बिकॉज दैट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट हियर। ओके, सो जीरो से -1 से
अप्रॉक्स कर सकते हो कि -0.5 या -0.67 के आसपास हम लोग रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, जैसा कि हमने पढ़ा था ट्रांजिस्टर बायसिंग के तौर पे, कि अगर इनपुट वोल्टेज वोल्टेज दोनों, यानी कि कलेक्टर इमिटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाए तो सेचुरेशन रीजन हो जाएगा, और अगर एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस होता है तो वो एक्टिव रीजन्स में हो जाएगा, और दोनों रिवर्स बायस होता है तो कट ऑफ रीजन में हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन्हीं को जो हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है उसको हमें लिखना है थ्योरेटिकल टर्म्स में, और इसको हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, चलिए हम देखते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट आउट। ओके, सो लुक एट हियर, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट द ग्राफ बिटवीन इन आउटपुट करेंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज, है ना। अब एंड आउटपुट करेंट एंड आउटपुट वर्सेस क्या है, जो हमने वहां पे देखा था, आउटपुट करेंट इज नथिंग बट IC, है ना, एंड आउटपुट वोल्टेज इज VCB फॉर द वेरियस लेवल ऑफ करेंट I। इसके बाद थर्ड लाइन में हम क्या करेंगे, आउटपुट रेसिस्टेंस को मेजर करेंगे। आउटपुट रेसिस्टेंस क्या होगा, V/R, आउटपुट वोल्टेज बाई आउटपुट करेंट। आउटपुट वोल्टेज है मेरा VCB डिवाइड बाई IC, डेल इसलिए बिकॉज इट डायनेमिक, यानी कि AC के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पे कि IC को हम कॉन्स्टेंट रखेंगे। अब जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करेंगे तो तीनों रीजन के बारे में एक्सप्लेन करना जरूरी है। तीनों रीजन का मतलब ये हो गया कि एक्टिव, सेचुरेशन एंड कट ऑफ। तो एक्टिव रीजन में सबसे पहले लाइन, तीनों में हम इसका डिफिनेशन करेंगे। एक्टिव रीजन होता क्या है कि जब इमिटर बेस्ड जंक्शन एंड इज फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन इज रिवर्स बायस, तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव रीजन में काम करेगा, एंड ये इस केस में, इस रीजन में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ये सब में, तीनों में हमें पहला जो इसकी डिफिनेशन है उसको एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद इस रीजन में क्या होता है, आप देख सकते हो कि इस रीजन की बात हो रही है यहाँ पे, ये हमारा एक्टिव रीजन है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक्टिव रीजन है ना। तो ये एक्टिव रीजन जो अनसेटेड एरिया है एक्टिव रीजन का, यहाँ पे अप्रॉक्स जो IC है, IE है, वो बिल्कुल कांस्टेंट है, बिल्कुल सीधी है ना, क्योंकि मतलब IC और IE एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है करीब करीब, है ना। तो इसी तरीके से जो हम इसको देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के रीजन्स को, उसी के हम एक या दो पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या मेंशन करते हैं कि इन दिस रीजन कलेक्टर करंट, यानी कि जो IC करंट है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इमीटर करंट IE, है ना, यानी कि कलेक्टर करंट अप्रॉक्सीमेटली जो क्या है वो कांस्टेंट है ना। एंड थर्ड पॉइंट में, द कलेक्टर करंट IC ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ कलेक्टर बेस वोल्टेज VCB, मतलब अगर मैं VCB को बढ़ा भी रहा हूँ तो मेरा IC करंट पे कोई खास असर नहीं पड़ रहा है ना। और इस केस में क्योंकि अगर ये फ्लैट है, इसलिए इसका जो डायनेमिक AC रेजिस्टेंस होगा वो काफ़ी हाई होगा। नेक्स्ट, सिमिलरली हम एक्सप्लेन करेंगे सेचुरेशन रीजन्स एंड कट ऑफ रीजन्स के बारे में, है ना। तो सेचुरेशन रीजन्स में किसको हमने बोला था, जब दोनों क्या हो जाए फॉरवर्ड, ये देख सकते हैं कि ये हमारा सेचुरेशन रीजन्स है, तो इसको एक्सप्लेन करेंगे सेचुरेशन रीजन्स को, और सेचुरेशन रीजन को एक्सप्लेन करेंगे हम। तो पहला डिफिनेशन, सेचुरेशन रीजन क्या होता है, जब दोनों यानी कि इमिटर एंड बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस में हो जाए तो वो कहलाएगा सेचुरेशन रीजन, और इस रीजन में ट्रांजिस्टर क्लोज स्विच की तरह काम करता है। क्लियर। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इस रीजन्स में कलेक्टर करंट जो है वो इंडिपेंडेंट है इमीटर करंट से। इमीटर करंट का मतलब ये हो गया कि IE 0, 0, 1, 2, 3 हम वेरी कर रहे हैं, लेकिन IC का उस पर कंप्लीटली कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। एंड थर्ड पॉइंट, कलेक्टर बेस यानी कि VCB इस केस में क्या है, निगेटिव है इन दिस रीजन, एंड IC डिक्रीज कर रहा है रैपिडली जब VCB बिकम्स मोर निगेटिव। और इस पॉइंट को प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं ग्राफ को अगेन, कि ये रीजन्स यानी कि जब VCB निगेटिव है, VCB निगेटिव पोर्शन है यहाँ पे, तो वो रीजन्स हमारा क्या कहला रहा है कि ये सेचुरेशन रीजन्स है ना। और इस केस में जो हमारा IC की जो वैल्यू है वो रैपिडली डिक्रीज हो रही है, इस तरीके से देखिए, डिक्रीज होने का मतलब ये डिक्रीज होके जीरो की तरफ आ रही है। तो ये सेचुरेशन रीजन्स के बारे में हमने ऐसे ही दो या तीन लाइन में एक्सप्लेन कर दिया। फाइनली कट ऑफ रीजन्स, कट ऑफ रीजन्स का मतलब ये रीजन, यानी कि रीजन्स बिलो IE इज इक्वल टू जीरो कहलाएगा कट ऑफ रीजन्स।
इस केस में दोनों कलेक्टर बेस जंक्शन एंड इमिटर बेस जंक्शन दोनों रिवर्स बायस में होगा, है ना, और ऑलमोस्ट इस केस में जो है करंट वो जीरो के बराबर होगी। तो इन्हीं दो तीन पॉइंट को हम जो है वहाँ पे मेंशन करेंगे कट ऑफ रीजन्स में भी। सो कट ऑफ रीजन्स में इमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन भी रिवर्स बायस में होगा, और इस केस में ट्रांजिस्टर जो है वो ओपन स्विच की तरह काम करेगा। द रीजन बिलो आई इज इक्वल टू जीरो इज नोन एज द कट ऑफ रीजन्स, है ना, एंड कलेक्टर करंट करीब करीब अप्रॉक्सीमेट जो कलेक्टर नियरली इक्वल टू जीरो होता है। तो दोबारा मैं एक बार रिवाइज करता हूँ, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस, है ना। तो हमें हमें क्या करना है कि कॉमन बेस का मतलब बेस दोनों के बीच में कॉमन हो गया। अच्छा, इनपुट करंट का मतलब हो गया कि इनपुट साइड में यानी कि जो इनपुट करंट एंड इनपुट वोल्टेज के बीच में जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ होगी उसको इनपुट करंट बोलेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे, और आउटपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट के बीच में जो ग्राफ ड्रॉ होगा उसको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे। ये जो ग्राफ ड्रॉ होगा उसके बारे में हमें दो दो तीन तीन लाइन लिखना है, इनपुट के बारे में 3 से 4 लाइन, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में थ्योरेटिकल टर्म्स में अगर हमें अच्छे मार्क्स एग्जाम्स खासकर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में लाने हैं तो, और सिमिलरली आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सबसे पहले डिफाइन करेंगे किससे किसके बीच में ड्रॉ हो रहा है, देन आफ्टर क्या कॉन्स्टेंट यानी क्या वेरी कर रहा है, और फिर तीनों रीजन्स आउटपुट में स्पेशली एक्टिव रीजन, सेचुरेशन रीजन एंड कट ऑफ रीजन के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। पहला तो पॉइंट सब में कॉमन है, उसका डेफिनेशन ही है सेचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन एंड एक्टिव रीजन का। और दो सेकेंड है थर्ड पॉइंट जो है कि आई जो भी इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो इस तरीके से हमारा कॉमन बेस की जो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कंप्लीट होती है, कॉमन इमीटर की इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो कॉमन इमीटर में जैसा कि डेफिनेशन से पता चल रहा है कि इमीटर जो होगा वो कॉमन होगा किसके किसके बीच में, इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। तो हम ग्राफ जो जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब ये देख सकते हैं कि ये बीच में बेस होता है ना, और इमीटर जो है वो ये बेस हो गया, और ये हमारा इमीटर पोर्शन है अगर मैं इसको रोटेट करूँ इस साइड में तो, और ये हमारा कलेक्टर। तो हमने क्या किया, इमीटर को कॉमन कर दिया इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। तो इनपुट का मतलब मैंने बताया था कि इधर वाला हिस्सा हमारा हो गया इनपुट साइड ये, है ना, और इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा हमारा आउटपुट साइड। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इनपुट इधर और ये हमारा आउटपुट। यहाँ पे हमने VB भी लिया है क्योंकि बेस इमीटर देखिए दोनों में कॉमन हो गया, तो इमीटर को तो हम यूज़ यहाँ पे करेंगे नहीं, इसलिए हमने बेस टू बेस एंड कलेक्टर टू कलेक्टर वोल्टेज रिप्रेजेंट किया क्योंकि एक्सटर्नल DC वोल्टेज अलग से हम अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जो वोल्टेज अपीयर होगा यहाँ पे देख सकते हो बेस एंड इमीटर के बीच में, ये हमारा इनपुट वोल्टेज होगा, और फिर यहाँ पे कलेक्टर और इमीटर के बीच में जो वोल्टेज अपीयर होगा वो होगा हमारा आउटपुट वोल्टेज, यानी कि इमीटर दोनों में कॉमन है इधर इधर, और जो करंट है वो इनपुट करंट क्या हो जाएगा IB, और आउटपुट करंट क्या हो जाएगा IC। क्लियर। और ये क्यों अपीयर हो रहा है, ये जो हम अप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नल DC सप्लाई उसकी वजह से, जो हमने यहाँ पे VBB और VC से अप्लाई किया है उसकी वजह से ये जो VC एंड VB अपीयर या डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे दोनों जंक्शन के अक्रॉस। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हम जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे वो इनपुट वोल्टेज वर्सेज इनपुट करेंट, और आउटपुट जो ड्रॉ करेंगे आउटपुट वर्सेज वोल्टेज वर्सेज आउटपुट करंट। क्लियर है। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज क्या हो गया, IB वर्सेज VB, कॉन्स्टेंट क्या रहेगा, देखिए दोबारा से मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब हम इनपुट ड्रॉ करेंगे तो इनपुट करंट वर्सेज इनपुट वोल्टेज बाय कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, ठीक है। जब हम आउटपुट ड्रॉ करेंगे तो आउटपुट करंट यानी कि IC वर्सेज VC बाय कीपिंग IB कांस्टेंट हियर, यहाँ पे मैं इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो रीजंस क्या है वो हम एक बार बाद में देखें, क्योंकि ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, आउटपुट जो है वो इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है, जनरली ये रीजंस है। तो अब देखते हैं यहाँ पे अगेन, तो IB को हमने यहाँ पे वेरी करा रहा हूँ मैं VB के तौर पे यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या देखने को मिल रहा है कि जब मैं यहाँ पे VC आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट रखने का मतलब है कि मैं वेरी कर रहा हूँ, एक बार VC को 20 रखा, 10 रखा, 1 रखा, तो कम वोल्टेज पे करंट मुझे ज़्यादा मिल रही है, और जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो करंट कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि IB जो है वो माइनॉरिटी करंट है, रिवर्स करंट एक तरीके से, है ना। तो यानी कि आपने पढ़ा होगा पीएन जंक्शन डायोड में कि रिवर्स करंट के केस में अगर हम वोल्टेज को वेरिएशन करते हैं यानी कि जो इफेक्ट होता है वो कम होता है, यानी कि जब मैं वोल्टेज को मैं बढ़ा रहा हूँ तो जो करंट की वैल्यू क्या हो रही है मेरी, डिक्रीज हो रही है यहाँ पे,
एक तरीके से रिवर्स वोल्टेज यहाँ पे पड़ रहा है ना। इस तरीके से ही ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है कॉमन बेस से, बट सिमिलर है, जो इसका पैटर्न है वो सिमिलर है जैसा कि हमने देखा था कॉमन बेस के लिए। अब हम जो अभी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या कॉमन बेस में जो हमने देखा था उसी को फिर हम यहाँ पे क्रिटिकल टर्म्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे पहले लाइन में कि ये ग्राफ है इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज यानी कि आई बी वर्सेज वी बी के बीच में, और ये रिलेट करता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट करंट और आउटपुट करंट बाई द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वी सी आउटपुट वोल्टेज के। ये भी सिमिलर है वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड बायस के की तरह, और इसका जो वैल्यूज़ है यानी कि इसका मतलब जो इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो इनपुट वोल्टेज बाई इनपुट करंट यानी कि वी बी बाई आई बी के बराबर होगी, जहाँ पे कि वी सी कॉन्स्टेंट होगा। ये सब में देख सकते हैं इन वोल्टेज बाई करंट कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें एक अलग टर्म्स है जिसको बोलते हैं अर्ली इफेक्ट। अर्ली इफेक्ट ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन हम एक लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि विथ हायर वैल्यू ऑफ वी सी मतलब आउटपुट के की वैल्यू को अगर मैं बढ़ाता हूँ ज़्यादा वैल्यू जैसे 10 वोल्ट 20 वोल्ट ज़्यादा, तो ये इट गेदर्स मतलब कलेक्टर गेदर्स सेलेक्टली मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर फोर बेस करंट रिड्यूसेस। इस केस में क्या होता है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेता है, इस वजह से बेस करंट जो है कि वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, और इस इफेक्ट को हम लोग अर्ली इफेक्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि अर्ली इफेक्ट की वजह से जब हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट आई बी करंट की जो वैल्यू इनपुट करंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। तो कॉमन जैसे कि हमने कॉमन इमीटर के केस में कॉमन बेस के केस में पढ़ा था कि जो वहाँ पे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है, और करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर किसके बराबर होता है आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट के यानी कि करंट गेन के बराबर। यहाँ भी सिमिलरली वही चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे जब हम इसको हम लोग लेकिन बीटा से डिनोट करेंगे, तो बीटा इज इक्वल टू अगेन यहाँ पे आउटपुट करंट वर्सेस इनपुट करंट है ना। तो इस केस में आउटपुट करंट क्या है देख सकते हैं, हमारे आउटपुट करंट यहाँ पे आई सी है और इनपुट करंट क्या है आई बी है। तो इसका मतलब है कि बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आई सी वर्सेस आई बी यानी कि आई सी डिवाइड बाई आई बी। तो ये हमारा करंट गेन फैक्टर होता है किस केस में कॉमन इमीटर के केस में। अब आगे बढ़ते हैं आई बी की वैल्यू को जैसे जैसे मैं यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, जितनी यहाँ पे 0 से 10 किया थोड़ा सा इंक्रीज हुआ 20 30, जैसे जैसे मैं आई बी की वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूँ तो करंट का जो इंक्रीज़ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव यानी कहा जाता है कि आई बी जो है वो आई सी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। अब इस तरीके से हम सेचुरेशन रीजन एंड कटऑफ रीजन को भी एक एक दो दो लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे सेचुरेशन रीजन का पहला जो डिफिनेशन होगा वो एज इट इज़ होगा कि इमीटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस में होंगे और ये क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। इस केस में सेचुरेशन रीजन इज़ वेरी क्लोज टू जीरो एक्सिस, जीरो एक्सिस के काफ़ी नज़दीक होता है ना, और जहाँ पे करंट रैपिडली रिड्यूस करता है जीरो की तरफ, है ना। ये हो गया। इसके बाद अगर मैं लो वैल्यू ऑफ वी सी बी अगर वी सी की काफ़ी कम वैल्यूज़ के लिए ट्रांजिस्टर जो होता है वो ट्रांजिस्टर जो होता है वो सिचुएशन रीजन में होता है, और कलेक्टर करंट जो आई सी जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है बेस करंट आई बी किस रीजन में सिचुएशन रीजन में। एक्टिव रीजन में तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है आई सी और आई बी के ऊपर, पर सिचुएशन रीजन में आई बी करीब करीब नेग्लिजिबल होता है आई सी का। कटऑफ रीजन भी हम देख लेते हैं, तो कटऑफ रीजन में दोनों रिवर्स बायस में होगा। रिवर्स बायस में कौन, इमीटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों जो होंगे वो रिवर्स बायस में होंगे और ट्रांजिस्टर ओपन स्विच की तरह काम करेगा, ठीक है। इस केस में रीजन बिलो आई बी इजकल टू जीरो ही सिर्फ सिर्फ आई बी इजकल टू जीरो रीजन के बिलो वाला रीजन कटऑफ रीजन नहीं होगा। इस केस में कंडीशन हमें रखनी पड़ेगी कि उस केस में देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आई बी इजकल टू जीरो और आई सी इजकल टू यहाँ पे आई सी ओ, आई सी ओ का मतलब हो गया कलेक्टर टू बेस करंट जब इमीटर ओपन होगा, है ना। तो ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में नहीं कहलाएगा, और इसमें कंडीशन जो डेवलप होगी वो होगी कि आई सी ओ इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा इंटू सी बी ओ। हम लोग बाद के क्लासेस में डिराइव करेंगे। तो आई सी ओ का मतलब हो गया कलेक्टर टू इमीटर करंट जब बेस ओपन है, और आई सी बी ओ का मतलब हो गया यहाँ पे आई है, आई सी बी ओ का मतलब ये हो गया कि कलेक्टर टू बेस करंट वन इमीटर इज ओपन। अच्छा, अब कट ऑफ रीजन्स के लिए हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि इट नॉट एनफ कि सिर्फ आई बी को जीरो कर दिया जाए, बट इट इज़ नेसेसरी टू रिवर्स बायस द इमीटर जंक्शन स्लाइटली, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ रीजन्स का ये डिफिनेशन पहला हो गया,
इसके बाद दूसरे में ये कंडीशन डिराइव होगी कि आई सी इज्कल टू 1 + बीटा इंटू आई सी भी होगा, एंड थर्ड में सिर्फ आई बी इज्कल टू 0 ही नहीं बल्कि हमें इमीडिएट जंक्शन को स्लाइटली निगेटिव यानी कि रिवर्स करना होगा। तो थैंक यू, ये हमारा कॉमन इमीटर की इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम लोग ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशन के थर्ड पार्ट यानी कि कॉमन कलेक्टर्स की इनपुट आउटपुट कन्फिग्रेशन को देखेंगे। तो जैसा कि डिफिनेशन से पता है कि कॉमन कलेक्टर का मतलब ये हो गया जहाँ पे कि कलेक्टर जो है वो कॉमन है इनपुट एंड आउटपुट दोनों के बीच में। आप देख सकते हो कि ये हमारा आउटपुट का हिस्सा है और ये हमारा इनपुट का हिस्सा है ना। तो इन यानी कि कलेक्टर जो है, ये कलेक्टर पोर्शन, दिस कलेक्टर इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट है ना। तो अभी अगर हम नॉर्मली जब अभी तक दो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हैं, तो तीसरे में हम लोग का आइडिया हो गया है कि इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लेने वाले हैं। तो देखिए, इनपुट में हमारा इनपुट करंट क्या हो जाएगा, इनपुट साइड में बेस आई बी हमारा इनपुट करंट हो जाएगा और वी बी सी हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज हो जाएगा। और सिमिलरली आउटपुट में क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट यानी कि आई ई और आउटपुट वोल्टेज यानी कि वी सी ई। क्लियर। सिमिलरली इसी कॉन्फ़िगरेशन को जो हमने सिंबल के तौर पे यहाँ पे दिखाया हुआ है, यही कॉन्फ़िगरेशन जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एनपीएन कंस्ट्रक्शंस के तौर पे दिखाया हुआ है। ये हमारा इमीटर सबसे ऊपर, बेस एंड कलेक्टर। तो जो बेस है ये कॉमन है इन सॉरी कलेक्टर जो है, दिस हिस्सा कलेक्टर इज कॉमन बिटवीन इनपुट एज वेल एज आउटपुट है ना। और जहाँ पे कि ये वी सी हमारा वो आउटपुट वोल्टेज है, वी बी सी हमारा इनपुट वोल्टेज होगा, आई बी इनपुट करेंट होगा और आई जो होगा वो हमारा आउटपुट करंट होगा है ना। सो अब यहाँ पे इसी का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे कि आई बी वर्सेज वी सी बी, यानी कि हम ड्रॉ करेंगे आई बी वर्सेज वी सी बी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी अलग होती है बाकी के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के, क्योंकि इसका जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिवर्स बायस ऑफ पी एन जंक्शन डायोड से की तरह बिहेव करता है। यानी कि रिवर्स बायस ऑफ पी एन डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या हो गया कि इफ़ यू इंक्रीज द दिस वी सी बी वोल्टेज, दिस आई बी करेंट विल डिक्रीज। ओके, सो दिस विल बी नथिंग बट और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। यू कैन चेक आउट हियर ऑल्सो सिमिलरली, जैसा कि हम अभी तक लिखते आए हैं, 3 से 4 पॉइंट हमें लिखना है हर एक के थ्योरेटिकल पोर्शंस के ऊपर। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नथिंग बट ग्राफ बिटवीन हियर आई बी वर्सेज वी बी वी सी बी, यानी कि इनपुट करेंट वर्सेज इनपुट वोल्टेज। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन आई बी एंड वी सी बी फॉर द वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट वोल्टेज वी सी ई है ना। वी सी के हम दो सिर्फ यहाँ पे लिया है, वी सी इजकल टू 2 वोल्ट एंड वी सी इजकल टू 4 वोल्ट। हाँ, ये थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज सिमिलर टू द रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वी आई, रिवर्स बायस वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। बिकॉज बाकी केस में क्या हो रहा था, वी आई यानी कि एक्सपोनेंशियल वी आई कैरेटिस्टिक्स ऑफ पी एन डायोड जैसा दिख रहा था ना, लेकिन यहाँ पे रिवर्स बायस कैरेटिस्टिक की तरह दिखता है, क्योंकि रिवर्स बायस जो आपकी कैरेटिस्टिक्स होती है वो करीब करीब इस तरीके से होती है ना। यू कैन चेक इट आउट, दिस इज नथिंग बट रिवर्स बायस कैरेटिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, इजंट इट। सो सिमिलर वे में हम यहाँ पे इसकी कैरेटिस्टिक्स जो होगी वो जब हम वी सी बी को बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू बाई कीपिंग वी सी ई कॉन्स्टेंट हमारा डिक्रीज होगा, यानी कि बेस करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। और हम जानते हैं कि बेस करंट जो होता है वो करीब करीब माइक्रो एम्पियर में फ्लो होता है। एंड द लास्ट पॉइंट हियर, एज वही चीज़ यहाँ पे मेंशन हुई है, एज द बेस टू कलेक्टर वोल्टेज वी सी बी इंक्रीजेज, जब मैं वी सी बी को इंक्रीज करूँगा वी सी इज रिड्यूस देयर बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ आई बी। सो वी सी ई क्या होगा, रिड्यूस होगा और इसकी वजह से हमारा आई बी की वैल्यू भी रिड्यूस होगी। और इसका जो डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस होगा सिंपली वी सी बी यानी कि वोल्टेज डिवाइड बाई करेंट, डेल वी सी बी डेल बाई आई डेल आई बी बाई आउटपुट यानी कि वी सी ई कीपिंग कॉन्स्टेंट है जनरल। सो अब हम चलते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ। इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली अप्रॉक्स सिमिलर होता है कॉमन इमिटर कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, क्योंकि यहाँ पे इस यहाँ की जगह पे वहाँ पे कॉमन कलेक्टर होता है, यहाँ पे कॉमन इमिटर है। तो आउटपुट किससे किसके बीच में ड्रॉ होगा, आई ई वर्सेस वी सी ई बाई कीपिंग आई बी कॉन्स्टेंट है ना। तो चलिए देखते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को। और ये जो ग्राफ है यानी कि ये डायग्राम जो है वो पी एन पी और एन पी एन के लिए है, जिसको कि सिंबल के तौर पर दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आई बी पी एन पी के लिए आउटगोइंग है,
IC आउटगोइंग है और IE इनकमिंग है। तो अगर मैं इसमें KCL इक्वेशन लगाता हूँ उस पोर्शन पे, तो दो आउटगोइंग और एक इनकमिंग, तो मेरा IE जो होगा वो IC प्लस IB के बराबर होगा, है ना। और ये मैंने पहले ही बताया था कि ये सबके लिए कॉमन है, चाहे कॉमन इमिटर कीजिए, कॉमन कलेक्टर कीजिए या कॉमन बेस कीजिए, IE विल बी ऑलवेज इक्वल टू IC प्लस IB। ये हमें वेरीफाई करने का तरीका है, डायरेक्शन को, करंट के डायरेक्शन को हम कैसे रखें, इसके थ्रू हम वेरीफाई कर सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये NPN के लिए और ये PNP के लिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो होगा हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसा कि हम पहले लिखते आएंगे या देखते आए हैं, सिमिलरली वैसे ही करेंगे। ये जो ग्राफ होगा IE वर्सेस VC होगा फॉर द वेरियस लेवल ऑफ इनपुट करेंट IB, है ना। तो IB के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमने यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट किया हुआ है। दिस इज नथिंग बट IE यानी कि इनपुट, सॉरी आउटपुट करेंट, एंड नथिंग बट आउटपुट वोल्टेज। एंड दिस रीजन्स हियर एक्टिव रीजन्स, दिस रीजन इज कट ऑफ रीजन, और दिस रीजन इज सेचुरेशन रीजन, जैसा कि हम लोग अभी तक तीनों दोनों जो कॉमन बेस एंड कॉमन एमिटर में देखते आए हुए हैं। एंड द आउटपुट रेजिस्टेंस जो होगा वो आउटपुट वोल्टेज बाई आउटपुट करेंट वी बाई आई होता है। तो डेल वी सी, क्योंकि डायनेमिक है यानी कि AC है, इसलिए डेल वी सी बाई डेल आई ई बाई कीपिंग IB कॉन्स्टेंट, है ना। अब एक्टिव रीजन्स में जो हमारा पहला डिफिनेशन है कि इमीटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखेंगे और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को रिवर्स बायस रखेंगे, और ये ट्रांजिस्टर जो है वो एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। सेकेंड में हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिव रीजन्स में कि IB जो है बेस करंट को, अगर हम बेस करंट को बढ़ा रहे हैं, बेस करंट की वैल्यू को हम बढ़ा रहे हैं, जैसे 0, 10, 20, 30, 40 हम जो बढ़ाते गए, तो IE की वैल्यू काफ़ी तेजी से बढ़ रही है सेंसिटिवली, यानी कि जैसा कि कॉमन इमीटर में था एग्जैक्टली यहाँ भी वैसे ही हो रहा है। तो फॉर द फिक्स वैल्यू ऑफ IB, IB के किसी फिक्स वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, इफ़ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ VC को मैं बढ़ा रहा हूँ, तो आपका जो आई की जो वैल्यू है वो रैपिडली, यानी कि IB बेस में क्या हो रहा था, करीब करीब कॉन्स्टेंट हो रहा था, IE यानी कि कॉमन इमीटर में क्या हो रहा था, ये वैरी कर रहा है। ये जो हमारा सिचुएशन, जैसे मान लो IE इज इक्वल टू 40 देख लीजिए, तो यहाँ पे अगर मैं VC को बढ़ा रहा हूँ तो IB की वैल्यू यानी कि IE की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी तेजी से इंक्रीज कर रही है ना। एंड द लास्ट वन एग्जैक्टली सिमिलर टू द कॉमन इमीटर इन दिस रीजन, कलेक्टर ओनली वैरीज दिस वन, कलेक्टर करंट रिस्पॉन्ड मोर सेंसिटिवली टू द IB, यानी कि IB को जितनी हम बढ़ाते जाएंगे उतना ही ग्राफ जो है वो कर्व जो है वो उसका स्लोप काफ़ी तेजी से बढ़ते जाएगा, इज़न्ट इट। अब आते हैं हम लोग सेचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन्स को भी देख लेते हैं, सिमिलर इसमें भी सेम वेरिएशन होगा। इन सेचुरेशन रीजन का पहला डिफिनेशन, इमीटर बेस्ड जंक्शन एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस में होंगे और इसमें ट्रांजिस्टर क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। सिमिलरली अब सेकेंड पॉइंट जो जैसा था कि जो क्लोज टू जीरो एक्सिस होगा, ये रीजन क्लोज टू जीरो एक्सिस जो रीजन होगा वो हमारा सेचुरेशन रीजन कहलाएगा, और ऑल द करेंट रैपिडली जो है जीरो की तरफ आएंगी, यानी कि जीरो की तरफ रिड्यूस होकर सारी करंट आ रही है। कट ऑफ रीजन में दोनों रिवर्स बायस में होगा, जो कि हमारा कट ऑफ रीजन है, दोनों रिवर्स बायस में, यानी कि इमिटर बेस्ड जंक्शन एंड कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस में होगा, और रीजन IB इज इक्वल टू जीरो के नीचे का जो रीजन्स होगा, ये रीजन्स ये हमारा कलेक्टर करंट कहलाएगा, कट ऑफ रीजन्स कहलाएगा। अच्छा, इसमें जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को हम लोग गामा से डिनोट करते हैं, और हमें पता है कि गामा का मतलब, करंट गेन का मतलब क्या होता है, आउटपुट करंट बाई इनपुट करंट। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि आउटपुट करंट जो है IE है और इनपुट करंट क्या है हमारा IB है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, कॉमन कलेक्टर में होगा। तो अल्फा किस में था, कॉमन बेस में, बीटा किस में था, कॉमन एमिटर में, और गामा किस में होगा, कॉमन कलेक्टर में। और ये क्या है, करंट गेन की वैल्यू है तीनों ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हम तीनों का यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर, तीन अलग अलग लेक्चर्स में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। थैंक यू।